दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Realme Book Prime लैपटॉप के बारे में। जिन लोगों का बजट कम होता है वो लोग ढूंढते हैं कोई अच्छा सा लैपटॉप मिल जाए, प्रोफेशनल सा लुक में हो, बेहतर स्पेसिफिकेशन हो, लेकिन बजट कम हो, तो उन लोगों के लिए Realme एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, क्यों इसे लेना चाहिए, क्या है इसका एग्जैक्टली बजट, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। समझने के लिए वीडियो अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आते हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहे। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं, समझते हैं कि क्या है इसके अंदर, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले प्रोसेसर की अगर हम बात करें, तो चूंकि हम लोग बजट में रहते हुए बात करने वाले हैं, तो ये i5 का 11th जनरेशन, जो फर्स्ट मॉडल की हम बात कर रहे हैं, ये i5 11th जनरेशन के साथ में है। i5 11 320H प्रोसेसर लगा हुआ है। ये 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 11th जनरेशन का है, H सीरीज का प्रोसेसर है, तो ये हाई परफॉर्मेंस के लिए बना हुआ है। आप टेंशन ना लें, बहुत ही बढ़िया इसका स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, एक अच्छा खासा स्पीड आपको मिलने वाली है, क्योंकि इसका स्पेक्स, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरीके से बनाया हुआ है। 2.4 गीगाहर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी के साथ चलने वाला है, यानी कि नॉर्मल वर्क में बैटरी का बैकअप भी आपको एक बेहतर मिलने वाला है। बूस्ट में 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जाने वाला है, यानी कि हैवी वर्क में भी ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको दे देगा। बजट कम है, 11th जनरेशन के साथ में रही आपको मजा आएगा। क्या क्या काम कर सकेंगे हम उस पर भी बात करेंगे। ग्राफिक की बात करें तो इंटरनल ग्राफिक ही है, Ryzen ग्राफिक है, जो कि इंटरनल ग्राफिक इंटेल का बहुत अच्छा काम करता है 11th जनरेशन के अंदर इस बजट में रहते हुए। डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर बहुत ही जोरदार डिस्प्ले दिया हुआ है, 14 इंच का QHD IPS पैनल वाला डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा आपको क्वालिटी प्रोवाइड कराने वाला है, प्यार हो जाने वाला है इससे। रेजुलेशन की बात करें तो ये 2160x1440p का रेजुलेशन मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा रेजुलेशन है। 400 nits की ब्राइटनेस मिल रही है, एक अच्छा ब्राइटनेस मिल रहा है, जो कि आप आउटडोर में भी आप इस पर काम कर सकेंगे। 100% sRGB कलर गैमट के साथ में आता है, यानी कि कलर प्रोडक्शन का भी आप काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 8GB का LPDDR4X वाली रैम मिल रही है। LPDDR4X है ये, 4266 MHz है, ये करीब करीब DDR5 के बराबर ही आपको जो है परफॉर्मेंस निकाल करके दे देती है। ये DDR4 का बहुत ही बेहतरीन वर्जन है ये। तो यहाँ पर स्पीड बहुत अच्छा आपको मिलने वाली है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अच्छा मिलने वाली है, 512GB के SSD के अंदर आपको मिल रही है। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 6 मिल रहा है, Bluetooth 5.2 मिल रहा है। तो 11th जनरेशन के साथ में है, तो उस हिसाब से बाकी सब कॉम्बिनेशन ठीक ही ठाक है। अभी भी हम इसको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भी बाय कर सकते हैं, इतना जल्दी ये आउट ऑफ डेटेड होने वाला नहीं है। बैटरी की बात करें तो 54 Wh की बैटरी है, जो कि 12 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है, ऐसा कंपनी का क्लेम है। लेकिन फिर भी अगर वर्किंग में है तो 6-7 घंटे का बैटरी बैकअप देगा, जो कि ठीक ठाक है। 65 W का जो है USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ में मिलेगा, यानी USB टाइप सी से ये चार्ज होने वाला है। 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा, यानी कि फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कीबोर्ड की बात करें तो एडजस्टेबल बैकलिट कीबोर्ड के साथ में ये आने वाला है, विदाउट नंबर की के साथ में आने वाला है, यानी कि जो इसका ब्राइटनेस है, जो इसका कीज की जो लाइट है, आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। और साथ में फिंगरप्रिंट लॉक भी मिल रहा है, लॉक अनलॉक बटन भी साथ में आपको मिल रहा है, एक और सिक्योरिटी के लिए बेहतर हो जाता है, यानी कि किसी भी चीज की कमी नहीं हो रही है। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर एक USB 3.2 Gen 2 का टाइप सी Thunderbolt 4 मिल रहा है। आप इससे बहुत सारे पोर्ट्स बढ़ा सकते हैं आगे चल करके, अगर आपको यूज करना है, बहुत सारे डिस्प्लेस वगैरह को भी लगा सकते हैं स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वहां पर जो है आप इसके अंदर भी हब वगैरह लगा करके बहुत सारे डिस्प्लेस के लिए भी आते हैं, जो कि थंडरबोल्ट 4 में लगा करके आप 2-3-4 डिस्प्ले को भी कनेक्ट करा सकते हैं और स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह का काम कर पाएंगे। एक जो है इसके अंदर मिल रहा USB 3.1 Gen 1 का पोर्ट टाइप ए मिल रहा है। यहां पर देखने के लिए एप्पल की तरह बहुत ही कम पोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि थंडरबोल्ट 4 है तो आप वहां पर बहुत सारे कनेक्टिविटीज को तैयार कर सकते हैं एडिशनल जो है लगा करके। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 के साथ में आने वाला है। अदर फीचर की बात करें तो डबल कूलिंग फैन इसके अंदर आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही स्लिम लैपटॉप है, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप है। 2 इसके अंदर फैन लगे हुए, छोटे छोटे फैन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से शोर कम होगा और ये कूल रहने वाला है। और ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, प्राइस बहुत लाजवाब है, मात्र 36,990 में मिल रहा है। इस प्राइस के अंदर i5 11th जनरेशन का ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही लाजवाब है। जिनका बजट कम है, थोड़ा सा हैवी वर्क करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी इसको बाय कर सकते हैं। बाकी आगे अगर हम नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो वो अगला 16GB रैम के साथ में है,
जो ऊपर वाला आपने देखा वो 8GB रैम के साथ में है, लेकिन थोड़ी सी अगर बड़ी फाइल पे अगर आपको काम करना है तो प्रोसेसर वही है, डिस्प्ले वही है, सारी चीजें वही है, रैम 16GB चाहिए। आज के रेट की अगर हम बात करें, जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, उनको वर्क करने के लिए, सही तरीके से वर्क करने के लिए अगर 16GB रैम है अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी में या फिर कंप्यूटर में, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए अगर आज के रेट में अगर थोड़ा सा बजट का इशू नहीं है और थोड़ा मोड़ा अगर बजट आपके लिए मायने नहीं रखता है, तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है 16GB के साथ में ले। वैसे आज भी आप 8GB के साथ में लेकर के आगे चल करके आप 8GB का स्टिक और लगा देंगे, जगह है, तो वो 16GB हो जाएगी। बजट अगर कम है, नो डाउट आप 8GB के साथ में लीजिए, आगे चल करके आप उसको जो है 16GB में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 16GB में लेना ही है तो फिलहाल जो प्राइस है वो 43,990 रुपए है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपने बजट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो आपको सही लगे वो आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दो मॉडल्स जो रियलमी के बिल्कुल भी आज के रेट में खरीदने लायक हैं और फ्यूचर प्रूफ भी हैं, इनमें से जो सही लगता है वो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस तरह के तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।